CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला इन्हें हमारा सलाम। तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम जगमगाता गांव। साथियों, आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको जरूर प्रोत्साहित करेगी। ये घटना अमेरिका की है। ये बात उन दिनों की है जब अमेरिका संयुक्त राज्य नहीं बना था। दरअसल ये कई देशों की कॉलोनी थी। उस जगह के मूल निवासी आदिवासी थे, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता था। आगे चलकर जब सभी राज्यों का एकीकरण हुआ तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका बना। ये वही अमेरिका है जिसे इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था और इसे नई दुनिया का नाम दिया था। कोलंबस निकले तो थे भारत को खोजने, लेकिन पहुंच गए अमेरिका। तो आइए मित्रों, इस जानकारी के साथ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये 17वीं शताब्दी के आरंभ का काल था। उन दिनों आज की तरह आधुनिक सुविधाएं नहीं थी। मोटर गाड़ी, टेलीफोन, चलचित्र, समाचार पत्र कुछ भी नहीं था। यातायात के साधन नहीं के बराबर थे और लोग आवागमन के लिए या तो पैदल चलते या पशुओं का इस्तेमाल करते थे। बिजली भी नहीं थी, इसलिए रात को लोगों को यात्रा करने में बड़ी परेशानी होती थी। जो सड़कें थीं वे भी खस्ता हाल थी। बारिश के समय वहां बड़े बड़े गड्ढे बन जाया करते थे और उनकी मरम्मत करने वाले नहीं के बराबर थे। और तो और, अधिकांश सड़कें कच्ची ही थीं। इन कारणों से वहां दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। रात के अंधकार में यात्रा करने वाले मुसाफिर और मुख्य रूप से व्यापारी अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते थे। हर रोज कोई न कोई ऐसी घटना होती ही रहती थी। ज्यादातर व्यापारी ही इन दुर्घटनाओं का शिकार इसलिए होते थे क्योंकि उन्हें अपना सामान लेकर सुबह सुबह मंडियों में पहुंचना होता था और इसलिए उन्हें रात भर सफर करना पड़ता था। अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में एक गांव था, नाम था पोप्स क्रीक। इसी गांव में एक बालक रहता था। उसके गांव में भी इस तरह की दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। जब कोई भी उस गांव से रात को गुजरते हुए दुर्घटना का शिकार होता तो उस बालक को बहुत दुख होता। लेकिन किया ही क्या जा सकता था, उसे कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ता था। उसने अपने गांव के बड़े लोगों से बात भी की, लेकिन सबने हंसकर टाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक भी उड़ाते थे। उसके पिताजी अक्सर अपने व्यवसाय के कारण बाहर ही रहते थे। लेकिन वो बच्चा इस समस्या के समाधान के लिए लगातार सोचता रहता। एक दिन की बात है, उसने अपनी माँ से कहा। माँ। हाँ बेटा। मुझे बहुत बुरा लगता है जब रोज हमारे घर के सामने दुर्घटना होती है। कोई ना कोई रोज हमारे घर के सामने गड्ढों में गिरता है। हाँ बेटा, पर ये कोई नई बात तो है नहीं। हाँ पर देखो, ऐसी दुर्घटनाएं तो पूरे गांव में हो रही हैं और दूसरे गांव में भी होती हैं। पर माँ हमारे लेकिन बेटा, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? सड़कें खराब हैं और अंधकार भी तो है, तो दुर्घटनाएं तो होंगी ना बेटा। जरा सोचो ना माँ, लोग इसी तरह दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं, क्या हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे? अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और अपनी पढ़ाई करो, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो। लेकिन माँ सुनो ना। अरे बेटा, मैंने कहा ना। अरे सुनो, उफ माँ। अरे बेटा, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो। माँ, कोई सुनता भी तो नहीं है। मुझे इस समस्या के हल के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन क्या करूं? साथियों, उस बच्चे ने हार नहीं मानी और अपने पिता से भी बात की। उसने गांव के बड़ों से भी बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला।
वो बच्चा लगातार सोचता रहता कि क्या किया जा सकता है, लेकिन कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी और रात्रि भोजन का समय हो गया था। सब डिनर करने बैठे थे। लो बेटा, अरे क्या बात है बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। बताओ बताओ क्या सोच रहे हो। हाँ माँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। बेशक बहुत बड़ा समाधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम कुछ तो कर ही सकते हैं। कुछ कर सकते हैं? भाई क्या समाधान है? देखो, बड़े बड़ों से कुछ नहीं हुआ और तुम करोगे। हाँ माँ, माँ कैसा रहेगा यदि हम अपने घर के बाहर एक लैंप रख दें या लालटेन टांग दें? बेटा जॉर्ज, तुम कैसी बातें करते हो। लालटेन टांग दें, इससे क्या होगा भला? माँ मुझे दे दीजिए ना एक लालटेन। बेटा मैं जल्दी लालटेन को घर के बाहर लटका दूंगा। अरे इस छोटी सी लालटेन से क्या होगा, क्या दुर्घटनाएं रुक जाएंगी? सारा गांव इस बात पर हंसी उड़ाएगा हमारी। हंसने दो ना माँ, हम लोगों को यूं ही चोट खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं मानता हूँ कि सारी दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी, लेकिन लेकिन क्या बेटा? कम से कम हमारे घर के सामने तो दुर्घटना होनी कम हो जाएगी ना। लालटेन से लोगों को रास्ता दिख जाएगा और वे बच जाएंगे। लाओ मुझे एक लालटेन दे दो माँ। दे दो ना माँ, दे दो। अरे बेटा सुनो तो माँ, एक लालटेन दे दो। देखो बेटा, इससे कुछ नहीं होगा। और तुम लालटेन उठाकर, अरे तुम, अरे माँ लालटेन दे दो। अरे लालटेन लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा रुको तो सही। ओहो सुनो तो, देखो ये बच्चा मानता ही नहीं है। ठीक है, जैसा तुम सोचो। एक दो दिन के लिए ऐसा करने में हर्जी क्या है? करके देखता हूँ। कहाँ रखूँ, कौन सी जगह, यही ठीक रहेगा। कुछ नहीं करने से कुछ करना तो अच्छा है। साथियों, उस बालक का नाम था जॉर्ज। उसने जलती हुई लालटेन उठाई और घर के बाहर लटका दी। वो देखना चाहता था कि इसका क्या असर होता है। रात भर वो जागता रहा। सुखद आश्चर्य, व्यापारियों और यात्रियों का झुंड वहां से गुजरता रहा, लेकिन उस रात उसके घर के आगे कोई दुर्घटना नहीं हुई। सुबह वो बच्चा भागा भागा माँ के पास पहुंचा। माँ माँ माँ, अरे अरे बड़ी खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? देखा आपने रात को लालटेन टांगने का असर? मैं तो सारी रात जागता रहा। क्या क्या कह रहे हो तुम? क्या वहाँ पे एक भी दुर्घटना नहीं हुई? नहीं माँ, एक भी नहीं। अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि हमारे घर के सामने किसी को चोट नहीं लगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा। मैं कहता था ना माँ, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। अब तो मैं गांव के लोगों को भी ये बात बताऊंगा। हाँ, ये जरूर करना, तुम सबको बताना। हाँ माँ, बहुत अच्छा काम किया बेटा, मैं तो विश्वास ही नहीं करती थी। बहुत अच्छा। तो साथियों, जॉर्ज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी माँ को भी बात समझ में आने लगी थी। उन्हें लगा कि यदि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम हम अपने घर के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं को तो कम कर ही सकते हैं। कुछ लोगों ने उनकी हंसी जरूर उड़ाई, लेकिन उन्होंने अब रोज रात को लालटेन टांगना शुरू कर दिया। उन्हें बहुत अच्छा लगा जब कई राहगीरों ने रात को उनके घर का दरवाजा खटखटाया और इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। धीरे धीरे ये चर्चा सारे गांव में होने लगी और लगभग सभी लोगों ने अपने अपने घर के सामने लैंप या लालटेन रखना शुरू कर दिया और परिणाम ये हुआ कि दुर्घटनाएं होनी बिल्कुल बंद हो गईं। राहगीर जब दूर से आते तो उन्हें उस गांव को जगमगाता देखकर बड़ी प्रसन्नता होती। अब तो दूर दूर तक इस गांव की चर्चा होने लगी और लोगों ने इस गांव का नाम रखा द विलेज ऑफ लाइट्स। विलेज ऑफ लाइट्स यानी जगमगाता गांव। साथियों, देखा आपने
कैसे एक बालक की सोच और इच्छा शक्ति ने सारी परिस्थिति बदल दी। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोगों ने भी ऐसा ही करना शुरू किया और वो क्षेत्र दुर्घटना मुक्त हो गया। इसी बात से प्रेरणा लेकर बाद में सड़कों के किनारे तेल के लैंप पोस्ट लगने शुरू हो गए। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हम भी क्यों करें। कोई करे या ना करे, यदि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए, और वो भी पूरी लगन से, जैसा कि उस बालक ने किया। साथियों, वो बालक जॉर्ज कोई और नहीं, उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आगे चलकर अमेरिका के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति बने। जी हाँ साथियों, आप ये ना देखें कि कोई क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले वो परिवर्तन आप स्वयं बनिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जगमगाता गांव। अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, कलाकार वैभव श्रीवास्तव, शालिनी सिंह, वंदना अरिमर्दन और तनु गुप्ता, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन, निर्देशन व निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।